सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज ऐतिहासिक फैसला दिया है कि बंगाल के पुलिस आयुक्त को हर हालत में सीबीआई की जांच में सहयोग देना पड़ेगा, उस फैसले से जहां ममता बनर्जी की जो हठधर्मिता बेनकाब हुई, वहीं केजरीवाल, राहुल गांधी सहित तमाम महागठबंधन को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। भले ही ममता बनर्जी अब ये कहे कि ये जनता की जीत है, पर जिस ढंग से ममता बनर्जी ने उसकी जांच में सहयोग न करने वाले बंगाल पुलिस के आयुक्त को, कमिश्नर को रोकने के लिए धरने पे बैठने का काम किया और कहा कि मैं मरने तक, मोदी को हटाने तक इस धरने को जारी रखूंगी, वो उस काम में भी पूरी तरह से विफल हुई। जनता के सामने खुद को उन्होंने बेनकाब करा दिया और अब वो कह रही है कि ये जनता की जीत है। जनता की जीत तो है ही, क्योंकि ममता बनर्जी की जो मंशा थी उस पर वो विफल हो गई और अपनी जेब मिटाने के लिए ममता बनर्जी कह रही है कि ये जनता की जीत है। आलोक कुमार जो निरंतर सीबीआई को 37,000 करोड़ के ये शारदा चिटफंड घोटाले के जो तथ्य थे उनको देने से इनकार कर रहे थे, उनकी जांच में उपस्थित नहीं हो रहे थे, 4-5 बार सीबीआई ने उनको पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सह पर इस जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे। और एक प्रकार से जिस प्रकार से सीबीआई उस जांच के लिए, पूछताछ के लिए जब कमिश्नर के पास गई, तो न केवल ममता बनर्जी उन्हें बचाने के लिए आई, अभी तो उन्होंने धरना दिया अपनी बंगाल पुलिस के बल पे। उन्होंने सीबीआई के उन अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न करके उनको हिरासत में लिया, जब पूरे देश में उनकी निंदा हुई और तो उन्होंने उनको छोड़ा। तो इस मामले में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं करेगी सीबीआई, परंतु एक बात सबसे हैरानी की बात है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने देश की पुलिस और सेना का आह्वान किया था कि मोदी के खिलाफ खुला विद्रोह करे, उसको क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में नहीं लिया और क्यों उस धरने में सहभागी बनने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, बंगाल पुलिस के कमिश्नर को दंडित नहीं किया, क्योंकि वो धरने में शामिल हुआ था। जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस जो उनकी एक मर्यादा होती है उसका खुलेआम हनन किया था, और इसके साथ सबसे इस पूरे प्रकरण का एक पहलू ये हुआ, जो केजरीवाल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ, केजरीवाल का राष्ट्रव्यापी आंदोलन से वो अन्ना के आंदोलन की प्रोडक्ट रही और दिल्ली में भी भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पर देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए वो आए थे, आज भ्रष्टाचार बचाने के लिए वो ममता के साथ खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप मोदी पर लगा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, जाँच पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए वहाँ पर सामने आए। लालू और अखिलेश और मायावती का जहाँ तक सवाल है, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, तो उनका एक प्रकार से ममता के साथ सहभागी होना ये अपने आप को, खुद को बचाने के समान था। तो ये पूरे प्रकरण में जहाँ जनता ने देखी कि महागठबंधन प्रधानमंत्री बनने के सपना देखने वाली ममता बनर्जी को सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक प्रकार से ममता और महागठबंधन को आईना दिखाने का काम करेगा, और ये इस देश के ममता बनर्जी सहित देश के तमाम राजनीतिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश की जनता किसी भी भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले नेताओं को कभी नेतृत्व के रूप में स्वीकार नहीं करती है। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई विवाद पर बहुत बड़ा फैसला दिया है और ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है और सीबीआई की बहुत बड़ी जीत है। सीबीआई ने जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर
से पूछताछ करनी चाहिए, उनसे इंट्रोगेशन करनी चाहिए। उसी के मामले में अब सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जब वहां पे इस ममता बनर्जी ने अपनी तानाशाही रवैया करते हुए एक करप्ट पुलिस अफसर को बचाने के लिए उनको गिरफ्तार कर दिया, उसके बाद बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दे दिया है और उनको सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर को। और अब ममता बनर्जी का ये धरना, ये ड्रामा एक्सपोज हो गया है। अब वो बोल रही हैं कि मैं फैसला पढ़ने के बाद बात करूंगी। जो ममता बनर्जी एक करप्ट ऑफिसर को बचाने के लिए किस तरीके से ड्रामा कर रही है, धरना दे रही है, वहाँ पे बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियाँ एक एक करके अपनी हाजिरी देने चले जाते हैं, अब वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे ड्रामे को फेल कर दिया है। और जो ममता बनर्जी बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी पर यहाँ से हिलूंगी नहीं, अब देखते हैं कि वो क्या अगला कदम उठाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई वाली बेंच ने जो कड़ा फैसला दिया है, और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि उनको जांच में पेश होना पड़ेगा और सीबीआई के साथ पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को उनको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। जो धरना पे बैठ गए थे पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के वर्कर की तरह, अब देखते हैं चीट फंड घोटाले में क्या आगे मामला होता है। लेकिन ममता की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई है, अब वो सीबीआई के सामने उनको पेश होना पड़ेगा। अब वो क्या उगलते हैं राज, ममता बनर्जी का राज उगलने के लिए बहुत अभी परतें खुलेंगी, तब ये ममता बनर्जी का चेहरा। अब ममता बनर्जी बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं, नैतिक तौर पर हमारी जीत है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीबीआई के अफसरों को, 40 अफसरों की टीम को अरेस्ट कराया था, अब उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब वही नैतिक जीत की दुहाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं राज्य में हार जाती थी तो वो एक ही बात कहती थी कि ये राहुल गांधी की नैतिक जीत है, तो अब वही नैतिक जीत का तगमा, मोरल विक्ट्री ममता बनर्जी मना रही है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी ममता बनर्जी। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी कैसे राजीव कुमार को बचाती है और खुद को बचाती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का रिश्तेदार वगैरह इस शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अब सीबीआई उन लोगों तक पहुंचेगी? क्या जो मामला है, जो बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आज कोर्ट में बताया है कि किस तरीके से कॉल डिटेल वगैरह जो लैपटॉप थे उनको आरोपियों को सौंप दिया था पुलिस कमिश्नर ने, अब देखते हैं ममता बनर्जी का ये चेहरा क्या होगा। राहुल गांधी जो पहले 2013 के आसपास वो ये बोलते थे कि यहाँ पर 20 लाख लोगों का, जो आम लोगों का पैसा चोरी करके दिया गया है, और वो उस पर कुछ नहीं बोलती ममता बनर्जी, आज वही राहुल गांधी उस शारदा चिटफंड घोटाले में, रोज वैली घोटाले में ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। तो ये विपक्षी पार्टियों का चेहरा बेनकाब करता है कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सब एकजुट हो रहे हैं। तो अब सीबीआई के मामले में सीबीआई को बड़ी जीत मिली है, ममता बनर्जी का चेहरा सामने आ गया है, उनकी वो पूरा ड्रामा फेल हो गया जो वो चाहती थी कि वो सीबीआई को रोके। लेकिन अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और फिलहाल उनको तो अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन 20 फरवरी को फिर दोबारा सुनवाई होगी इस मामले में, तब तक देखते हैं क्या होता है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में सहयोग करें राजीव कुमार और सीबीआई के सामने पेश हो। कोलकाता के जो सीबीआई मामले में है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अपील की थी सीबीआई ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है ममता बनर्जी को। तो अब देखते हैं कि क्या, 3 जजों की बेंच थी, साफ हो गया कि अभी गिरफ्तारी तो नहीं होगी लेकिन उनको सामने पेश होना पड़ेगा, जिस पेशी के लिए ममता बनर्जी रोकने के लिए उन्होंने गिरफ्तार करा दिया था, जबकि अभी गिरफ्तारी राजीव कुमार की होनी थी। तो अब ममता बनर्जी यही राग अलाप रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, ये बात तो वही हो गई कि सम्मान नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे आप,
पहले तो बोल रहे थे कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन सीबीआई के सामने राजीव कुमार को पेश नहीं होने दूंगी। अब ममता बनर्जी जब हार गई है तो उनका चेहरा सामने आ गया है और ये बहुत बड़ा झटका है और लोग इस पर बड़ी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। तमाम जहां विरोधी पार्टियां इस पर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा सकती हैं, लेकिन तो ये करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के टीएमसी का जो भ्रष्ट तंत्र है उसको उखाड़ फेंकने का ये बड़ा झटका है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ममता बनर्जी की जो ये हार हुई है ये बहुत बड़ा तमाचा मारा है अब जुडिशरी ने ममता बनर्जी पर कि किस तरीके से वो बंगाल में अपने जो निरंकुशता पे उतर आई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्याय जांच एजेंसी है सीबीआई उसको भी अरेस्ट करा दिया। अब देखते हैं क्या होता है।